हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी स्टूडेंट डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री लेते हैं, कोर्स करते हैं, उन सभी को फर्स्ट टाइम अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप अपना PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि आपको हाई स्कूल और इंटर 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी ऑफ ऑल द ईयर्स यानी कि आपने जो भी डी फार्मा या बी फार्मा किया होगा उसकी आपको पूरे ही सालों की मार्कशीट चाहिए होंगी। अगर आपने डी फार्मा किया है तो आपको डी फार्मा 2 ईयर्स का कोर्स होता है, आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपने डिग्री यानी कि बैचलर बी फार्मा को कोर्स किया तो आपको बी फार्मा के चारों ही साल का मार्कशीट चाहिए होंगी। सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल की आपको मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि जैसा कि CBSE ICSE बोर्ड में होता है कि आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स की मार्कशीट मिलती है, तो आपको इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होंगे। उसी के साथ में सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द डिग्री डिप्लोमा कॉलेज कोर्स, यानी कि जो भी स्टूडेंट डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स कर रहा होगा तो आपको कॉलेज की तरफ से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आपने इसमें मेंशन होगा कि आपने ये कोर्स डिग्री उस कॉलेज से पास किया है, एग्ज़ाम पास किया। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ 500 आवर्स फ्रॉम PCI रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल और डिप्लोमा फार्मेसी कैंडिडेट ओनली, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स 5 घंटे की किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने जो ट्रेनिंग करते हैं तो वो ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा हॉस्पिटल की तरफ से, चाहे आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में किया हो या फिर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया हो। स्पेशली ये उन स्टूडेंट्स के लिए चाहिए जो डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट्स हैं, यानी जो भी डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं। करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड विद इन 6 मंथ यानी कि डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र लेटेस्ट बाय 6 महीने के अंदर का चाहिए होगा। फॉर दोज कैंडिडेट्स हु पास्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ UP यानी कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, छात्र छात्राएं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर से डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री ली हो। 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यानी कि 6 आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए होंगी। काइंडली ब्रिंग ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, आपको ओरिजिनल अपनी सारी ही मार्कशीट सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, उसके साथ में आपको उन सभी की फोटोकॉपी भी लेकर जानी होंगी। तो ये रहे हमारे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स।